बात हो जाती है भोजपुरी के टॉप मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, जिनके बारे में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप सोचेंगे मॉडल मॉडल क्यों? आपको बता दें भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में दो धाराएं हैं, इसलिए दो तरह की हीरोइनें हैं, लेकिन हीरो यहाँ एक ही तरह के होते हैं। लेकिन हीरोइनें दो तरह की होती हैं, एक जो गानों में रहती हैं, एक जो फिल्मों में रहती हैं। तो अब आज हम जो गानों में हीरोइनें रहती हैं, जिनके बारे में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम वीडियोस बनते हैं, आज उनके बारे में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी अभिनेत्री कहाँ से बिलोंग करती है। और आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी अभिनेत्री पसंद है। हम इन्हें मॉडल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अभिनेत्रियाँ ही हैं, एक्ट कर रही हैं, भले ही चाहे वो गाने में ही करें, फिल्मों में ना करें। तो इनमें सबसे ऊपर नाम आता है, टॉप 5 की अगर ये लिस्ट बनाई जाए, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अनीशा पांडे का। जी हाँ, आजकल अनीशा पांडे जो कहर ढा रही हैं, वो शायद ही कोई ही ढाए। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 4 सालों से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और कामयाबी अब जाकर मिली है। और रही बात स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल इन्हें नहीं करना पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि 4 सालों में उन्होंने अपना टाइम दिया भोजपुरी को, और आज वो भोजपुरी की आदि शक्ति फिल्म्स की एक बहुत ही जाना माना नाम है। इनको कामयाबी पहचान जो मिली, वो मिली गोरी तोरी चुनरी बा झलकौआ। और ये गाना भले ही विवादित रहा, लेकिन इस गाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अनीशा पांडे को हुआ। और फिर उसके बाद अनीशा पांडे धीरे धीरे खेसारी, और फिर उसके बाद पवन सिंह जैसे टॉप मोस्ट एक्टरों के साथ उनके गानों में दिखने लगी। आजकल आप देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों का दौर चल पड़ा है। तो अब अनीशा पांडे के हिस्से एक और राजस्थानी घाघरा, महादेव का दीवाना, और उससे पहले खेसारी के कई गाने, भतीजवा कमौसी, जिंदाबाद जैसे कई गानों में अनीशा पांडे को आपने देखा होगा। ये भोजपुरी की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली, भोजपुरी की सबसे कामयाब एक्ट्रेस है। अब आगे बढ़ते हैं चांदनी सिंह की तरफ। जी हाँ, चांदनी सिंह पहले फिल्मों का हिस्सा नहीं थी, अब फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं, धीरे धीरे फिल्मों में भी वो रोल करने लगी हैं। लेकिन एक्चुअली है तो ये एक तरह की अभिनेत्री हैं, जो कि गानों से अपनी शुरुआत, स्टेज शो से अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने भी खेसारी के साथ ऊ भुला गई सॉन्ग में आई थी, और तब से ये और इनकी खेसारी की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है। सैनिटाइज़र लगा के आपने देखा होगा गाना, और मौगी खेले पबजी जो लगातार खेसारी के साथ इनके बहुत ही ज़बरदस्त हिट सॉन्ग रहे हैं। और फिर उसके बाद पवन सिंह के साथ भी इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। जी हाँ, पवन सिंह के साथ क्रैक फाइटर में इनका गाना सड़िया जब हम पहनी वाला गाना बहुत फेमस हुआ था। और ये भी बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं, राजपूत हैं, और आपको बता दें कि इनकी डिमांड भी भोजपुरी में बहुत है। इन्हें लकी चाम माना जाता है खेसारी लाल यादव का। अब आगे बढ़ते हैं डिम्पल सिंह। जी हाँ, डिम्पल सिंह जिन्हें आपने कई भोजपुरिया, चाहे वो अंकुश राजा रहे हों, चाहे वो रितेश पांडे रहे हों, अरविंद अकेला कल्लू रहे हों, या फिर खेसारी लाल यादव के साथ आपने इन्हें कम देखा है, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है खेसारी से। और पवन सिंह, जी हाँ, पवन सिंह के साथ मीठा मीठा बात है कमरिया में पहली बार डिम्पल सिंह नज़र आई, और पवन सिंह के लिए ये बहुत ही लकी साबित हुई, और वो गाना आज 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है। डिम्पल सिंह भी एक बहुत ही बड़ा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में। डिम्पल सिंह तकरीबन मोस्ट ऑफ आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बिजी एक्ट्रेस हैं। ये प्रवेश लाल यादव के साथ भी नज़र आने वाली हैं जल्द ही। सुनने में आ रहा है कि ये एक फिल्म भी कर रही हैं, लेकिन ये इसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इनकी तरफ से। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस रानी की। जी हाँ, रानी की बात करेंगे, क्योंकि वो एक टॉप की मॉडल है, टॉप की डांसर है। कहा जाता है इनके लिए कि जब ये 12 साल की थी, तभी से ये खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज शो किया करती थी, और उस स्टेज शो में ये इतनी ज़्यादा पतली थी और इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से कमर हिलाती थी। कुछ दिनों बाद ये खेसारी के स्टेज शो के लिए परमानेंट हो गई, यानी खेसारी इनके बगैर स्टेज शो नहीं किया करते थे। धीरे धीरे जिस तरह से भोजपुरी में खेसारी की ग्रोथ हुई, उसी तरह से रानी की भी ग्रोथ हुई। आज रानी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, और टिकटॉक से लेकर इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत ही एक्टिव रहती हैं।
आपको बता दें ये बहुत ही गजब का डांस करती हैं। ये शादीशुदा हैं, ये इकलौती अभी तक मॉडल हैं जो शादीशुदा हैं, और ये अपने पति के साथ मिलकर ज़्यादातर काम करती हैं। साथ ही ये खेसारी के साथ, अरविंद अकेला कल्लू के साथ, इन सब के साथ एल्बम में काम भी कर चुकी हैं, और स्टेज शो में इनके जैसा महारथी कोई नहीं है। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम की है, काफ़ी गरीब थी, और जाति से इन्हें कनौजिया कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी हमारे टॉप के मॉडल हैं आज भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये भोजपुरी गानों के दौर में सबसे बड़ी नंबर वन प्रायोरिटी बन चुके हैं। ये दूसरी और भी कई अभिनेत्रियां हैं, जैसे नेहा ओझा हुई या फिर सुहाना क्वीन हुई, ये लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कार्यरत हैं और बहुत ही ज़्यादा काम मिलता है इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से। और ये कल को एक अनजान चेहरा थी, लेकिन अपने स्ट्रगल के कारण आज ये जाना माना नाम बन चुकी हैं। भोजपुरी में जितनी मेहनत हमारी भोजपुरिया एक्ट्रेस करती हैं उससे कम मेहनत ये नहीं करती हैं, और आज ये बहुत बड़ा नाम है स्टेज शो से लेकर, गानों से लेकर। और ये बात और है कि इन्हें फिल्मों में साइन नहीं किया जाता है, करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्टिंग तो काबिले तारीफ़ होती है, क्योंकि एक गाने इनके एटलीस्ट 200-200 मिलियन, 300-300 मिलियन, 400-400 मिलियन तक पहुंचते हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं कि इन्हें पिक्चर्स यानी कि फिल्मों में भी साइन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर